Alright guys, welcome back to another episode of Crew ModaFest. And guys, आज हम लोग यार खरीदने वाले हैं कि नहीं Kawasaki Ninja H2R Light Rider Edition, जो कि भाई दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गिन चुन के 5-6 गाड़ियां है भाई, और उनमें से आज अपन एक खरीदने वाले हैं यार। तो यार मैं पहले बता दूं, ये मेरी H2R है ब्रो, जिसको मैंने बहुत लिटरली बहुत दिन हो चुके हैं, मैं इसको ड्राइव नहीं किया हूं। इसकी आवाज भी भूल गया हूं यार, पहले इसकी आवाज सुनते हैं। गाड़ी वन ऑफ दी पावरफुल कार है, एंड आई नो भाई इस गाड़ी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया की वन ऑफ दी फास्टेस्ट कार है। एंड देख रहे हो भाई, स्टार्ट होते साथ ही बर्न आउट करती है यार, एंड यहाँ पे आवाज कितना गूंज रहा है भाई। बट खैर, आज हम लोग यार कुछ ऑफ रोडिंग रेसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि यार ऐसा सीन हुआ है ना, आप लोगों को पता है H2R ऐसी गाड़ी है जो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाई गई है, यू नो, बट लोग चाहते हैं कि मैं इसको लेकर के ऑफ रोडिंग ड्रैग रेसिंग में जाऊं, लंबी लंबी जंप मारूं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत तेज है, तो यार लंबा लंबा छलांग मारेगी तो उसके बदले में मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैंने सोच रखा यार क्यों ना उन रेसिंग में पार्टिसिपेट किया जाए। एंड वैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को बहुत तगड़े से मॉडिफाई किया भाई, एक दो उदाने उदाने से मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला भाई, मैं देख रहा हूँ खेती में चला दे रहा हूँ यार। बट खैर, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या आज जो हम लोग लाइट राइडर एडिशन जो खरीदने वाले हैं वो कौन सी गाड़ी है, कैसी दिखती है, हर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। पहले गाड़ी को यहाँ पे रोको भाई, ये अपनी H2R है। H2R का पहले लुक देख लो, मैं थोड़ा धूप से दिखाता हूँ, ये देखो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा धूप है, कुछ ऐसा लुक है हमारी H2R का, ठीक है। ये क्लासिक एडिशन है, H2R कंप्लीटली मॉडिफाइड, स्टॉक नहीं है, पूरा मॉडिफाइड है, एग्जॉस्ट से लेकर के इंजन, सस्पेंशन, कार्बन फाइबर, मैंने सब कुछ लगा के रखा है, ठीक है। बाकी यार लाइट राइडर एडिशन में आपको दिखाता हूँ वो कैसे दिखता है। बाकी अगर आप आते हो लाइट राइडर एडिशन देखने के लिए, तो ये रहा अपना व्हीकल कैटेगरी भाई, यहाँ पे 600 से ज्यादा गाड़ियां, लेकिन बाइक्स बोलोगे 100-200 गाड़ियां होगी, ठीक है। और भाई मैं सोच रहा था ना डुकाटी का ये वाला बाइक लेके देखूं, डुकाटी डिवेल है, लेकिन यार ये उतनी ज्यादा भागती नहीं है, तो अब मेरी कोई काम की नहीं है, मुझे स्पीड कार चाहिए भाई, आई वांट अ फास्ट एंड फ्यूरियस कार, ओके, तो ये ज्यादा भागती नहीं है, कोई काम की नहीं है। और डुकाटी की ना जो सबसे तगड़ी गाड़ी है वो है पेनेगेले आर रेसिंग मोटर एडिशन, ठीक है। ये मैं को खरीदना है, बट इले अभी पैसे कम है मेरे पास, 450,000 है, और ये 470,000 की आती है, मैं दो रेस करके इसे खरीद सकता हूँ, थोड़े से पैसे मैं इजीली खरीद सकता हूँ, इसको देखते हैं। हाँ, इसको चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और मेरे पास ये एक और है डुकाटी पेनेगेले यार, ये थोड़ा सस्ता वाला है और ये थोड़ा महंगा वाला है, ठीक है। ये रेसिंग एडिशन है और ये स्टॉक एडिशन है, बहुत सारे चेंजेस हैं, जो कि यार अगर आप रियल कार लवर हो आप लोग को पता चलेगा, वरना ऐसे नहीं दिखने वाला बाइक लवर वगैरह को। ये देखो इसका जो एग्जॉस्ट है ये नॉर्मल है, और इसमें जो लगा हुआ है ना वो वाली गाड़ी थी, इसमें देखो ये ब्राउन कलर का, ये नॉर्मल मेटल का है, और ये जो मेटल का है भाई ज्यादा हीट झेल सकता है, ओके, तो यही डिफरेंस है। बाकी यार अपन जो खरीदने वाले ना Kawasaki की वो कहा है भाई, इंडियन बाइक भी है भाई, ये देखो यार, बट ना इंडियन बाइक तो अभी खरीदने का प्लान नहीं है। ये रहा Kawasaki का सेक्शन, या ऑफ रोडिंग भी खरीद सकते हैं अपन, ये ऑफ रोडिंग बाइक यार, लेकिन नहीं, अपन खरीदेंगे Kawasaki Ninja Light Rider Edition, लेट्स गो, ये मुझे खरीदनी है यार। एंड ये गाड़ी है 650,000 की, जो की भाई मुझे ऑफ रोडिंग रेस वाले ऑफर कर रहे हैं, अगर मैं जीता तो मुझे आराम से 6-6.5 लाख रुपए देंगे, आई मीन 2-3 लाख रुपए देंगे, जिससे मैं आराम से इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो यू नो व्हाट, आज इसको हम लोग खरीदने वाले हैं, बट उससे पहले एक टेस्ट ड्राइव बनता है। अबे तेरी मैं खरीद क्यों रहा हूँ, अभी तो पैसे भी नहीं है यार, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, आ जाओ देखते हैं, लेट्स सी भाई गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, उम्मीद तो है। ओके गाइस, लुक अबे तेरी, लुक देख लो, ऐसा लुक है गाड़ी का, ठीक है, चारों तरफ को मैं दिखा रहा हूँ, बर्न आउट करते हैं साउंड भी सेम है, अगर मैं मजाक नहीं करूंगा साउंड भी सेम है, बट ये जो इंटीरियर है वो थोड़ा डिजिटल डिफरेंस है यार। बाकी भाई स्पीड तो है ब्रो, स्पीड तो है, नाइट्रो दोगे तो और भाग रही है भाई, डैम 160 टच करके वापस आया हूं भाई मैं, लेट्स गो भाई, यार फास्ट तो है, Kawasaki की गाड़ी है, ऑफ कोर्स फास्ट होगी, बट एक ही चीज है कि गाड़ी है बड़ी महंगी भाई। अपन सामने का चक्का उठा सकते हैं क्या, हल्की है कि, ओ उठ गई, हल्का है भाई, ज़्यादा भारी भी नहीं है, कार्बन फाइबर बॉडी है ना, आग वाग लगेगा तो कंट्रोल हो जाएगा। बाकी भाई पानी में सामने का चक्का उठाते हैं, लेट्स गो, चढ़ जा, अरे यार सही है भाई, गाड़ी दिक्कत नहीं है कुछ, ओके शिट, खरीद सकते हैं ब्रो, आराम से चक्का भी उठ जा रहा है, बल्कि जो H2R मेरे पास है ना भाई, दो साइलेंसर लगाने के बाद जो भारी हुई है ना गाड़ी, डैम, इसमें जो शायद चक्के भी है ना वो कुछ और वाले चक्के हैं, वो रात में चमकेंगे, ओह तेरी भाई,
भाई फुल इसमें कुदाव जा सकता है यार, बहुत लंबा व्हीली किया जा सकता है भाई। ये देखो व्हीली अटक गया, सामने का चक्का अटक गया। तेरी ठीक है यार। यार मेरे पास मेरा भी स्टेयरिंग नहीं है, मुझे मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कंट्रोल करने में, बाकी सही है भाई। ये गाड़ी खरीदेंगे, सही लग रही है मुझे। बाकी अपन अगर पैसे वगैरह नहीं मिल पाए, अगर रेस अपन हार जाते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ऑफ रोडिंग वाला, तब हम लोग यार पहने के लिए आर खरीदेंगे, वो भी कंफर्म नहीं है। ओके, वो खरीद क्योंकि देखो उसको खरीदने से अच्छा क्यों ना यार ये H2R ही खरीद लूं भाई, लाइट राइडर एडिशन वैसे भी इससे ज्यादा बेटर है। तो ऑफकोर्स यार ऑप्शन अपने पास बहुत सारे हैं, लेट्स सी भाई। बट फिलहाल चलते हैं ड्रैग रेस के लिए, होने कहां वाला है यार, पास ही में है, ज्यादा दूर भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, यहां वाला जाना है। ओके लेट्स गो भाई, मार्क हो जाओ। नहीं ये वाला नहीं है, कोई और था, कौन सा वाला था, ये भी नहीं था। ओके लेट्स गो भाई, बहुत सारे हुए हैं यार, आई गेस यही वाला था यार, ये जंगल के बीच लग रहा है मुझे। ऑफ रोडिंग के लिए इससे अच्छी जगह कौन सी होगी भाई, शहर में पेट्रोल डलाते हैं निकलते हैं। वैसे भी शहर के बीच में एक लौता पेट्रोल पंप है भाई, यहाँ से निकलने के बाद आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला मुझे, तो फटाफट से पेट्रोल डलवाता हूँ गाइस मैं। वैसे भी यहाँ पे भाई साहब एक गाड़ी पेट्रोल डला रही है, BMW क्या? ना भाई ऐसी लोकल गाड़ी है यार। चलो खैर मैं पेट्रोल डलाता हूँ एंड चलते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार बैक इन द गेम एंड हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है, एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है भाई, बट स्टिल अपनी H2R लेट्स गो। गया मैं यार, देख रहे हो गाड़ी जो मैं मॉडिफाई किया हो ना ब्रो, 300 टच। ओके शिट, आराम से 200 तो आराम से टच करता हूँ भाई, 300 टच हो जाएगा। लेट्स गो थोड़ा सा और 390 टच हो गया। ओके शिट भाई, ठुक गया यार मैं यार। स्पीड यार बगल वाला सर्कल में मत देखो, बीच में जो नीला रंग का स्पीडोमीटर है ना उसमें देखो, तब आपको ज्यादा फील आएगा भाई। टूटना है ना यहाँ पे ज्यादा आ गया मैं, ऐसे चलाने में ज्यादा फील नहीं आता है भाई, असली फील ना ऐसे में आता है ब्रो। और गाड़ी भागती भी बेदम है भाई ऐसे में। ओके ठीक है, बहुत हो गया मस्ती मजाक यार, अब भगाते हुए चलते हैं यार। मेरे को ना इस गेम में ना नाइट्रो यूज करने का मन नहीं करता है यार, नाइट्रो। ओ तेरी जंप, ये तो बनता है भाई, ये तो बनता है। लेट्स गो बैकफ्लिप नहीं करना था। चलो ठीक है भाई आ गए। भाई वो कौन सी गाड़ी थी भाई, बंदा आराम से 400 की स्पीड में होगा। वो चट्टो आ गया यार, लग जा। लेट्स गो, अब टच होगा 300 टच हो जा भाई। मोड़ क्यों आ रहा है यार, थोड़ा सा और हो जा। 300 देखना है भाई, नहीं जा रही यार। एक ओके टच हुआ। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, ले दे के टच हुआ है यार। गाड़ी रो दी थी भाई, गाड़ी की जान निकाल देता यार मैं इतनी ज्यादा तेज भगा करके, बट कोई ना ठीक है सब। फालतू में इतना भगा रहा हूँ, जाना किधर है भाई, अभी कौन सा रास्ता से ले जा रहा है मुझे और कहाँ ले जा रहा है भाई, मुझे इधर जाना है। अरे यार मैं सही तो जा रहा था भाई, ये गेम वाले उल्टा सीधा लेके जाते हैं यार, मेरे को जिधर जाना है उधर तो बता नहीं रहे भाई, उल्टा बल्कि जा रहा था मैं, अपने नहीं जाऊंगा। लेट्स गो भाई, ये छोड़ो यार, फास्ट कार निकालो भाई, H2R भी फास्ट है आई नो, बट इससे ही फास्टेस्ट मेरे पास एक है GTR निकालो यार। बुगाटी बॉलिडे भी भागती है, बट यार GTR का तो अलग ही लुक है ना भाई। लेट्स गो, ये तो ऐसे 300 टच कर लिया भाई। पिकअप थोड़ा सा H2R से कम है, लेकिन 300 ये आराम से टच कर देती है, देखो 350 जाने वाली है भाई। ये बेदम भागते, और ये कंप्लीट मॉडिफाई भी नहीं है, ये पार्शियल मॉडिफाइड है। ओके हल्का फुल्का मॉडिफाइड है, ज़्यादा मैंने खर्चा किया नहीं है, बिकॉज मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ ना, और अभी यार ज़्यादा चलाया नहीं हूँ तो यार कहाँ से खर्चा करूँगा। बट स्टिल अभी कुछ दिन और, जब मैं घर जाऊँगा, जब मेरे पास आएगा मेरा स्टीयरिंग व्हील, देन आई एम गोना मॉडिफाइड दिस बीस्ट। ये गॉड है भाई, निशान GTR इज अ गॉड भाई, नो कंपैरिजन, आई एम नॉट किडिंग भाई। बट क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ यार ठोक ठाक के,
फाइनली वी अराइव्ड भाई, आ जाओ गाड़ी चेंज करो यार, इतना देर लग गया भाई इतना दूर पहुंचने में भाई। बस मैं प्लेन से भी तो आ सकता था यार, यार प्लेन से आ जाता फटाफट पहुंच जाते। चलो खैर कोई बात नहीं यार, ऑफ रोड ही किया जाए अपनी H2R में। बोलते हुए थोड़ा गंदा लग रहा है बट स्टिल यार करना पड़ेगा भाई, पैसों का सवाल है और H2R भाई मजबूत गाड़ी है तो आई डोंट थिंक सो इसको इतना फर्क भी पड़ने वाला है। आ जाओ भाई H2R सिलेक्टेड, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। टॉप 3 मोनानुला क्या नाम है भाई रेस का, लेट्स गो। अपनी H2R इज रेडी भाई। यार ड्यूक वगैरह भी आई होगी, ओ तेरी भाई मैंने कहा था, वो देखो मेरे बगल में ड्यूक ही खड़ी है भाई, लेट्स गो। ओ तेरी मैं गया, मेरे को ऐसा लग रहा है ये रेस मेरे हाथ से निकल सकती है क्योंकि मेरी गाड़ी एग्जॉस्ट में पानी ना भर जाए बस। यार जिक्सर GSX भाई मेरे बगल में यार, जिसको मैंने कल खरीदा है भाई, कल या परसों में खरीदा हूँ, ये मेरे बगल में जो गाड़ी है ना इसी को भाई, और आज मेरे बगल में आ रही है भाई, बताओ कोई सीन नहीं। Okay, पार कर दिया भाई, मैं तो फर्स्ट में हूँ भाई। H2R को कोई हरा सकता है क्या ब्रो? ओके इजी पीजी रेस भाई, इजी पीजी यार। बस गाड़ी में एक ही दिक्कत लग रहा है मुझे थोड़ा स्पीड का। ओके लेट्स गो भाई, रेस की शुरुआत होती हुए एंड यहाँ पे कावासाकी निंजा H2R, लेट्स गो। एंड यार मेरे बगल में ड्यूक है मैंने कहा था, एंड वो देखो जिक्सर भाई उन लोग क्या भगा रहे हैं। मेरे को लग ही रहा था यार, मेरे टायर्स हो सकता है साथ ना दे, लेकिन इन लोग भगा रहे हैं बेदम भाई। कोई बात नहीं पकड़ेंगे आराम से, बस गलतियाँ नहीं करनी है। यार यहाँ पे ईटे वीटे बहुत है भाई, सबसे आगे कौन चल रहा है, कौन सी गाड़ी है? ओ भाई सबसे आगे आई गेस कौन सी है, ओके BMW S1000 RR भाई। ओ भाई गंदा ओवरटेक कर रहे हैं यार, क्या दोस्त H2R को ओवरटेक करेंगे भाई, किसी को भी कर लो भाई। मैं नाइट्रो भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ इंस्टेंट भाई, नाइट्रो उन लोग भी नाइट्रो भी यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ करूँ तो भाई ऐसी रेस खत्म कर दूंगा भाई। लेकिन खैर नाइट्रो यूज करने के नुकसान, गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल। ओके बस मेरे को कैसे भी करके ये रेस जीतना है यार। शिट 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 आ गया बंदे, आ गए बंदे ओवरटेक करने के मेरे बगल में है। ओके कोई है मेरे को ओवरटेक करने वाला है, कोई तो है, वो दे डुकाटी भाई नहीं KTM की गाड़ी थी। ओके यस यू जंप निकाल लेंगे भाई, दिक्कत। अरे रुको 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 रिवाइंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड करते हैं, रुक जाओ गाइस। भाई स्टंट पड़ गया भारी, मेरे को रिवाइंड करने दो, लास्ट ट्राई गाइस अब नहीं करूंगा मैं, ये लास्ट ट्राई है। 360 स्टंट भाई हो क्यों नहीं रहा है यार, हो जाता है भाई मेरे से ये स्टंट। देखो हो जा घूम जा, वाह वाह इससे अच्छा तो सबसे पहले किया था मैं, वाह क्या हका हूं भाई, मैं नहीं लेने वाला इस बार भाई, लेट्स गो यार मेरे से अच्छे से हो जाता है भाई, मैंने किया है ब्रो इस चीज़ का प्रैक्टिस, नहीं पता आज कैसे हुआ, बूस्टर मैंने बचाए नहीं थे यार, और आई गेस गाड़ी भी उतनी स्पीड में नहीं थी, ऑफ रोडिंग में कहाँ स्पीड मिलेगा। बाय द वे इसी चीज़ की वजह से मैं बहुत तगड़े से पीछे हो गया भाई, यार मेरी स्टीयरिंग भी नहीं है ना मेरे पास, स्टीयरिंग आने दो भाई, फिर तो भाई बाइक में रेस करेंगे भाई। ओके ठीक है यार, मैं ऑलरेडी सेकेंड चल रहा हूँ यार, कौन है माइक करके बंदा भाई बेदम भगा रहा है। यहाँ पे ट्राई करते हैं उसको, इसको कहते हैं आसमान से उसे खजूर कर के भाई उसको। और ये चीज मेरे को बहुत भारी पड़ा है भाई, बहुत तगड़े से पीछे हुआ भाई। एक और जंप, इस बार कोई मस्ती नहीं यार, से लैंडिंग
बिकॉज रेस अब खत्म होने को है शायद। लेट्स गो भाई। यार H2R की तो मैं मार रहा हूँ यार, लेकिन गाड़ी भी बराबर साथ दे रही है, ऐसा भी नहीं कि गाड़ी साथ नहीं दे रही है भाई, गाड़ी वाड़ी भी प्रॉपर कूद रही है यार। ले भाई कौन सा पेड़ से टकरा गया, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, चल भाई पार भाई बस यार, अब तो कोई नहीं आ सकता। लेट्स गो, अब जंगल पहुंचने वाले हैं, मतलब रेस खत्म होने वाला है। ओके पहुंच गया है, थोड़ा सा दूर और हो गया। कहां पे भाई फिनिश पॉइंट कहां है, जंगल घुमाते रहोगे क्या भाई? अच्छा वो रहा फिनिश पॉइंट भाई, लेट्स गो। ऐसे चलाएंगे ना भाई, अरे थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार, झुका ले भाई गाड़ी। अरे यार कीचड़ आ गया यार, मैं ना कीबोर्ड में खेलने होता नहीं है यार, एंड जिन लोग सोच रहे हैं मैं बहाना बना रहा हूँ, नहीं भाई कीबोर्ड में खेल रहा हूँ यार, देखो कीबोर्ड है भाई। ठीक है चार्जर निकालो, ये देखो यार W दबा के रखा हुआ हूँ, ये कीबोर्ड में खेलना पड़ रहा है, क्या ही बताऊँ। स्टेयरिंग में मजा आता है यार, यही वाला सीन है मेरा, घर में स्टेयरिंग, यहाँ स्टेयरिंग नहीं है ना, कोई बात नहीं। We want the drag. पैसे बताओ भाई कितने दे रहे हो, भाई 15,000? तुम लोग क्या लूटने के लिए बुलाए हो क्या मुझे, क्या स्कैम है भाई ये, वादा तो इन लोग लाखों का किए थे, पैसे दे रहे 1,000 वो भी 15,000 भाई, डैम ब्रो यार ये क्या स्कैम कर रहे हैं भाई लोग, शिट भाई। इससे अच्छा यार एक और रेस होता है भाई, वहाँ चले जाओ यार सुपर कार्स के रेस में, वहाँ पे ज्यादा पैसे मिलते हैं, और अभी शाम भी नहीं हुई एक्चुअल में भाई, जा भी सकते हैं। ओ टोक्यो का रेस होने वाला है, चल 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 रेस तो भाई जापानीज रेस होने वाली है भाई, चले क्या, चलो चलते हैं भाई, क्या पता लाइक जापानीज राइडर कुछ हेल्प वगैरह भी कर दे भाई पैसे के लिए, वैसे भी उन लोग कार्स के लिए बहुत पैशनेट रहते हैं। Let's go. गाड़ी भाग भी बेदम रही भाई। ओके बच गया। भागती है भाई। H2R भागती है ये मैं मानता हूँ, बट एक ही चीज मेरे को पसंद नहीं है, ये क्या हो रहा है यार, सेम गाड़ी को ठोक रहा हूँ। भाई GTA 6 वाला फील आ रहा है मुझे, मजाक सट के भाई, ऐसा नहीं लग रहा माहौल यार, इधर पिंक है उधर ऑरेंज है, पूरा GTA 6 का ग्राफिक्स लग रहा है, बट ऑफ कोर्स GTA 6 का ग्राफिक इससे 10 गुना ज्यादा बेटर होगा। ये गेम का ग्राफिक्स थोड़ा कार्टून सा है, एंड आई थिंक सो GTA 5 का भी कार्टूनी है, एंड GTA 6 का भी कार्टूनी होगा, क्योंकि रियल लाइफ तो भाई फार क्राई जैसे वो सब गेम्स तो होते हैं राइट, क्या पता उससे भी तगड़ा हो GTA 6 में भाई, हु नोज। अभी तक तो मेरा GTA 5 भी फेवरेट ही है। लेट्स गो पहुंच गए, चलो भाई, अरे तेरी तोड़ दिया भाई मैं तो। लेट्स गो, यहाँ पे होंडा की गाड़ी है, लेकिन हम होंडा की गाड़ी नहीं चलाने वाले, अपन चलाएंगे कार। आ जाओ भाई, और कब रेस करना है क्या बोलते हो यार, दिन में करें कि रात में? अपन करेंगे मिड डे पे भाई, तो आ जाओ। Let's go, रेस की शुरुआत होने वाली है यार, ये तो भाई क्या ये टेम्पल बम लगता है भाई देखने में यार। ठीक है अपनी H2R रेडी है, लेट्स गो लेट्स गो, डीओ क्यूब सब रेडी हो गए, आराम से सामने का चक्का उठाते हैं ना मेरी जान। ओके लेट्स गो, वो भाई गजब भाई, लेकिन यार एज यूजुअल मैं बहुत तगड़े से पीछे हूँ, नाइट्रो ले यार, ये क्या कर रहे हैं भाई, दोनों पैर निकाल दिया है ये भाई, ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम लोग, पार भाई सबको पार कर दूंगा यार, भगा बस ही रहा हूँ। ओके शिट गया रे, वैन को ठोकने, नहीं वैन को ठोकने की वजह से इतना पीछे भाई, गया रेस लग रहा है हाथ से, ये रेस जाएगा लग रहा है हाथ से भाई, भाई बहुत तगड़े से पीछे हो गया होगा इसमें, लेकिन इन लोग दिख रहे हैं मुझे, इतनी ज्यादा दूर नहीं गए, हो जाएगा ओवरटेक। लेट्स गो Let's go. अरे यार क्या हो कर रहा हूँ यार मैं, भाई
बहुत आगे चल रहे हैं यार। क्या लगता है गाइस, पकड़ पाऊंगा कि नहीं मैं? कमेंट में बताओ अभी यार। आई थिंक सो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। यार एक कचड़ा जैसे चला रहा हूँ यार मैं, बहुत बेकार कीबोर्ड में नहीं खेल पा रहा हूँ यार। मजाक कट के मेरे को कीबोर्ड में खेलने नहीं हो रहा है पता है। अब मैं भाई साल भर खेला हूँ भाई स्टेयरिंग में यार। GTA जैसा तो गेम है नहीं भाई, गियर एक एक करके चेंज करना पड़ रहा है मुझे। GTA रहता तो अलग अलग से हो जाता ना। ये देखो ना, ड्रिफ्ट वगैरह मारना पड़ रहा है भाई ओवरटेक करने के लिए। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सब कंट्रोल के लिए स्टेयरिंग बेस्ट है भाई। ये WSD में नहीं होता है। ओके शिट, वाओ, यही सब की दिक्कत हो रही है। एंड आप में से बहुत लोग बोलेंगे भाई क्या बहाने मार रहा है तुझे, खेलने नहीं आ रहा है ये वो। भाई मेरी पुरानी वीडियो देखो भाई, मैं 100 से भी ज़्यादा रेस कर चुका हूँ इस गेम में। एंड ले लेके 5 से 4 रेस होंगे जिसमें मैं हारा हूँ। ओके, या सेकंड थर्ड आया हूँ। 95% सारे रेस में फर्स्ट ही हूँ भाई। एंड अभी देखो 6th पोजीशन में लड़ रहा हूँ मैं फर्स्ट आने के लिए। डैम, बड़ा बुरा दिन चल रहा है यार। बट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे और, ये 3 को तो एक साथ पार करूँगा भाई। सीधा सेकंड, लेट्स गो। एक ही बंदा है इसको पार करने में दिक्कत है बस। लेकिन नाइट्रो यूज़ नहीं करूँगा मैं अभी, बचाते हैं। स्ट्रेट रोड आने दो, अब पार करते हैं, लेट्स गो। क्या हाल चाल दोस्त? भाई भगा रहा है वो बंदा भाई, उसको पता चल गया है मैं आ गया हूँ पीछे। लेकिन रेस खत्म होने वाली है, लेट्स गो भाई। फिनिश पॉइंट एंड दैट इज व्हाई, लेट्स गो यार। एंड टाइम में फर्स्ट आया हूँ भाई, पूरा रेस आखिरी था, आखिरी में जाकर के फर्स्ट आया हूँ भाई। यार ये रेस एपिक थी भाई, ये यही बोल रहा ना, अगर भाई स्टेयरिंग होती ना और तगड़े से आ रहा था इन लोगों को। बस क्या बताऊँ यार, दिन ही खराब चल रहा है भाई। बट ठीक है, 2 से 3 दिन और रुक जाओ, 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद 8 तारीख गाइस, 8 तारीख के बाद मेरा स्टेयरिंग आ जाएगा। देन वी गोना हैव अ हाय हाय स्किल्स आ जाएगी भाई। चलो ये रेस भी हो गई, पैसे वैसे मिल रहे हैं ना अच्छे खासे। भाई रात हो रही है भाई, बड़ी कैडी भाई, बड़ा अंधेरा हो रहा है भाई, रात हो गई है यार। लेकिन वो चाइनीज यार जैपनीज टावर बहुत सही लग रहा है यार। बाकी खैर चलो चलते हैं भाई आसपास, अगर कुछ दो रूम वगैरह मिल जाता तो आज मैं वहीं पर रुक जाता हूँ। बाकी का यार गाड़ी के लिए पैसे तो आज जमा नहीं हो पाया भाई, मैं यार सोचा था आज हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं यार। H2R देखो, आप लोग मेरे को एक चीज बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं आज क्या करूं, बताओ। H2R जो लाइटर एडिशन है उसके लिए थोड़े पैसे और जमा करूं, या फिर खरीद लूं भाई सीधा एक नई डुकाटी पेनेगला R, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे पास उतने पैसे भी है, 270,000 भी। एंड आई थिंक वो गाड़ी भी उतने में ही आती है। रुको एक बार चेक कर लेते हैं कहां गई। ओके, मेरे पास 4,80,000 रुपए है ना, तो ये देखो मैं बाइक सिलेक्ट कर लेता, या रुको कार में, कार भी कुछ खरीद सकते हैं। वैसे बाइक जरूरी नहीं है, बाइक ही खरीदना है। जैसे कि ये देखो डुकाटी है ना, ये वाली सस्ती वाली तो नहीं खरीदनी मुझे। ये मेरे पास है डुकाटी पेनेगेले आर, ये स्पोर्ट्स एडिशन है, मोटर स्पोर्ट्स एडिशन। ये थोड़ी ज्यादा फास्ट है ये वाली से जो मेरे पास है। ये टिक जो है ये मेरे पास है, ये जिस पर टिक नहीं है ये मेरे पास नहीं है। और ये गाड़ी है 4,70,000 की, मेरे पास है 4,80,000। तो मैं खरीद दी, आई मीन मेरे पैसे आप देख लो यार, आपको मेरे पैसे नहीं दिख रहे होंगे ना, मैं भी ना भाई। ये देखो मेरे ऊपर पैसे हैं, ठीक है? अब देखो यार, मैं तो बता ही नहीं पा रहा था। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 4,80,000 है और ये गाड़ी है 4,70,000 और ये मेरे पास है। तो अगर इसको खरीद लेता हूँ तो भाई मेरे पास बचेंगे टोटल 6,000 रुपए। एंड जिसका मैं बस गाड़ी मॉडिफाई भी नहीं कर सकता भाई, चक्के बस बदल सकता हूँ, इतना महंगा है मॉडिफाई कराना ड्यूकाटी वगैरह यार। तो क्या लगता है आप लोग बताओ मुझे, ये खरीद लूं कि या फिर मैं खरीदूं थोड़ा सा और वेट करके कावासाकी निंजा H2R लाइट एडिशन, ये वाली खरीदूं यार? क्या बोलते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइट राइड एडिशन ये बहुत प्यारी लग रही है ना भाई, ये एक नंबर है। स्पीड भी थोड़ा ज्यादा ही मिलता है मॉडिफिकेशन कराने के बाद, बट ये 6 लाख की है। 6 लाख करने में 2-3 दिन लगेगा। हाँ एक आइडिया है मेरे पास, 2-3 दिन बाद मेरा स्टेयरिंग भी आ जाएगा भाई, एंड उसके बाद स्टेयरिंग व्हील, उसके बाद हम लोग यार इसको खरीद लेंगे, तब तक थोड़े पैसे भी हो जाएंगे अपने पास, ये भी सही है। क्या बोलते हो आप लोग कमेंट में बताओ। अगली वीडियो में मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। टिल देन यार आज के वीडियो में इतने ही, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी यार आई नो भाई आजकल मैं ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यार सच बता रहा हूँ मेरे को बिना स्टेयरिंग के खेलने में मजा नहीं आ रहा है, दिल से बोल रहा हूँ यार, क्योंकि भाई आदत लग गया है यार उससे खेलने का, बिना हाथ ऐसे रखने का आदत, कीबोर्ड में ऐसे रखने का आदत नहीं है ना। तो खैर यही बात है, बाकी यार मिलते हैं आप बहुत जल्द आप लोगों से। एंड आप लोग तो जानते हो यार, वापस आऊंगा तो फोड़ के रख दूंगा एज यूजुअल। बाकी अगर आपको यहाँ पे और एपिसोड देखने क्रू मॉडिफेस्ट के, तो यहाँ पे सारे एपिसोड्स हैं जिनमें मैं स्टेयरिंग यूज किया हूँ। ये वीडियो 2-3 वीडियो में नहीं होगी, आजकल के रिसेंट वाले वीडियो में, बाकी सारे वीडियो पे जाके देखो, मजे आएंगे 100%, मैंने पूरा एक्सपीरियंस दिया। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय चाचा एंड सायोनारा पीस।